हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनुराय आप सभी बच्चों का कंपटीशन कमेटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संग्राम सीरीज के अंतर्गत आपको लेक्चर वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर लेखन की शैली को समझाया जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी के अंतर्गत कुछ व्याकरण और साहित्य के खंडों से प्रश्नों की चर्चा की थी। आज दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं कुछ और टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का लेक्चर वीडियो किस पर डिपेंड होगा? अनसीन पैसेज, जो है हमारा अपठित गद्यांश। दूसरा है हमारे लिए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और उसका नामकरण। तीसरा है हमारे लिए छत्तीसगढ़ के साहित्यकार व उनकी रचनाएं। इसके साथ उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्ति, संधि के कुछ प्रश्न, वाक्य शुद्धिकरण के कुछ प्रश्न और यहाँ पर विचार किया जाएगा आपके वाक्यांशों को एक शब्द के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा अनसीन पैसेज। एक यह प्रश्न जो आपको 6 नंबर का होता है, जैसे कि मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार के अनसीन पैसेज प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 2 पद्धति पर पूछी जाती है। दूसरी बात, कभी भी पद्यांश का आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पैसेज दिया नहीं जाता है, यानी कि न तो किसी भी पद्यात्मक शैली के किसी सर्ग को, किसी पैराग्राफ को आपको अनसीन पैसेज के तौर पर दिया नहीं जाता। अनसीन पैसेज मतलब कि सिर्फ आपको किसी भी कहानी, लेख, है ना, किसी प्रकार के धार्मिक किताब, साहित्यिक किताब, राजनीतिक किताब, समाचार पत्र पत्रिकाएं के ऐसे पक्ष जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं है, उस अनुच्छेद को आपको दे दिया जाएगा। उस अनुच्छेद से 2 प्रकार के प्रश्न को पूछेगा, या तो कभी उससे व्याकरणात्मक पक्ष को पूछेगा, कभी उससे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी किसी अनुच्छेद में एक लाइन को पैराग्राफ में से अंडरलाइन कर देगा और उस रेखांकित शब्दों की कुछ शब्द सीमा के साथ में उसके उत्तर लेखन को कहता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले देखते हैं आपका एक कि प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ में आपको प्रश्न लिया दिया हुआ है जिसके उत्तर को आपको इस अनुच्छेद में से ढूंढ कर लिखना है। पैराग्राफ को पढ़ते ही कि आदिम युग में मानव जाति का प्रादुर्भाव प्रकृति की कोर में ही हुआ और उसी से उसने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। भगवान श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने भी वन में पंचवटी कुटिया बनाकर वनवास का दीर्घ समय व्यतीत किया था। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है, इसी से उसने मकान, झोपड़ियां, कृषि यंत्र, परिवहन के साधन, फर्नीचर आदि निर्मित किया। कोयला भी लकड़ी का ही प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी व उसके उत्पाद जैसे की नारियल, जूट, लकड़ी का बुरादा आदि विभिन्न काम में आते हैं। वृक्षों से मिलने वाले इन लाभों के अतिरिक्त प्राणवायु तो मिलती ही है, उनकी अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। कितने नंबर का प्रश्न है ये? 6 नंबर का। ठीक है, अगर आप इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो जिस तरह संक्षेपण के लिए आपको उस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ना होता है ताकि उसके आप सार तत्व को निकाल सके, वैसे ही किसी अनुच्छेद को जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ समझने के लिए, उसके दिए गए प्रश्नों को समझने के लिए दोबारा भी हमें उसे पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, इसमें वन्य उत्पाद यानी कि वन के बारे में, जंगल के बारे में उपयोगिता जो है वो बताई गई है। ठीक है, जंगल यानी कि जो आपके जो वन क्षेत्र है जहां पर आपके जीव जंतु निवास करते हैं, आदिम युग में मानव निवास करता था और उसी प्रकार रामायण के काल में रामचंद्र जी ने वहां कुटिया बनाकर और वहां की चीजों का हम उपयोग कैसे करते हैं, इससे संबंधित इसमें 6 अंक जो है वो आपको प्रश्न के माध्यम से दिया गया है। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको 6 अंक जो है वो एक एक नंबर के प्रश्न पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 यदि कहते हैं कि आदि मानव के पास जीवन के साधन क्या थे, ऐसी सिचुएशन में हमारे को आपको जाना पड़ेगा किसमें, आपके पैराग्राफ में। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे, उत्तर मिल रहा है हमें यहाँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉपीराइट नहीं करना है, आपको पूरा सा उस सेंटेंस को उठाकर नहीं लिखना है, बल्कि अपने शब्दों में उसके उत्तर का लेखन करना है। ठीक है,
तो वही यह प्राकृतिक उपादान। अब क्या लिखेंगे, अब आपकी कमजोरी अगर ये कहती है कि सिर्फ आप ये लिख देते हैं जैसे कि वन्य या प्राकृतिक उपादान, है ना, अगर आप केवल ये लिखते हैं जैसे कि आपने ये लिख दिया और इसको छोड़ दिया आपने, तो मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आपका उत्तर जो है उत्कृष्ट होना जरूरी है। ऐसा प्रयोग अगर आपके द्वारा किया जाएगा तो अंक जो एक नंबर का है उसमें आधे अंक ही मिलेंगे। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आदिम मानव के पास जीवन के साधन में वन्य या प्राकृतिक उपादान ही थे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, लकड़ी का प्रतिरूप क्या है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि लकड़ी का प्रतिरूप क्या है, तब यहाँ पर आप देखते हैं कि लकड़ी का प्रतिरूप जो है वो कोयला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है इसका, ठीक है। अब इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपने केवल यहाँ पर कोयला लिख दिया तो आधे नंबर मिलेंगे। इसलिए आपका उत्तर लेखन क्या होगा, पूर्ण होगा कि लकड़ी का प्रतिरूप कोयला है, लकड़ी का प्रतिरूप कोयला, लकड़ी का प्रतिरूप कोयला है। इस प्रकार आपको पूरा उत्तर जो है वो लिखना होगा। अगले प्रश्न क्या है, पंचवटी किसे कहते हैं, ठीक है ना, पंचवटी किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, पंचवटी कुटिया लिखा है, लेकिन अगर आप देखें तो पंचवटी किसे कहते हैं, तो यह एक व्याकरण का पक्ष है, तो पंचवटी किसे कहा जाएगा, पंचवटी कहा जाएगा आपके किसको, पांच वटों के समाहार को, ठीक है ना। क्या कहेंगे, पांच वटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं, ठीक है, पांच वटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। और इस तरह आपने अगर पूरा उत्तर लिखा तो पूरे अंक जो है वो दिए जाएंगे, तो इसमें एक एक नंबर है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसकी अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। अब देखिए पैराग्राफ ने क्या कहा है, वृक्षों से मिलने वाले इन लाभों के अतिरिक्त प्राणवायु तो मिलती है उनकी अधिकता से, तो किसकी अधिकता से, वृक्षों की अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, ठीक है। तो जब आंसर राइटिंग करना हो अनसीन पैसेज का, तो आप क्या करेंगे कि उस अनुच्छेद के उत्तर लेखन के समय उनके लाइन को आप कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने शब्द में आप उसको लिखेंगे। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, किसकी अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो आप क्या लिखेंगे, वृक्षों की अधिकता से, ठीक है ना, वृक्षों की अधिकता से, ठीक है। अपना पूरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है ना, कि वृक्षों की अधिकता से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। वृक्षों से क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो पैराग्राफ को देखिए कि वृक्षों से क्या क्या लाभ मिलते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनाया जाता है, मकान, झोपड़ियां, कृषि यंत्र, परिवहन के साधन, फर्नीचर आदि निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, कि वृक्षों से ही, वृक्ष की लकड़ियों से ही मकान, झोपड़ियां, कृषि यंत्र, परिवहन के साधन और फर्नीचर आदि निर्मित किए जाते हैं, साथ ही लकड़ी ईंधन के भी काम करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। कितने नंबर का है, एक नंबर का है, और आपको पूरा लिखना होगा वृक्षों के उत्पाद कौन कौन से हैं, ठीक है, ठीके? तो यहां पर क्या लिख रहा है, वृक्षों के उत्पाद कौन कौन से है, वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है, तो नारियल, जूट, लकड़ी का बुरादा, ठीक है ना, ये हमारे वृक्षों के उत्पाद में आते हैं, ठीक है। और ये हुआ हमारा एक अनसीन पैसेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर एक पैराग्राफ देखेंगे कि साहित्यकार अपने देशकाल से प्रभावित होता है, जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहन सहन आरंभ संभव हो जाता है, उसकी विशालता अपने देश बंधुओं के कष्टों से ही पीड़ित हो उठती है और तीव्र विकलता से वह रो उठता है, पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है, वह देश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। राम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यवस्थित हृदय की रचना है, पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर उसमें वह व्यापकता है कि हम लोग भी उससे पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहित्यकार कभी पुराना नहीं होता, वह सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं, पर साहित्य तो हृदय की
वास्तु है और मानव हृदय में तब्दीलियां नहीं होती। हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी प्रकार अधिकृत है जैसे आदि कवि वाल्मीकि के समय में थे, कदाचित अंत तक रहेंगे। रामायण का समय अब नहीं है, महाभारत का समय भी अतीति हो गया है, पर ग्रंथ भी अभी तक नए हैं। साहित्य की सच्चा इतिहास है क्योंकि उसमें देश और कला का जैसा चित्र होता है वैसा कोई इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और न राजाओं की लड़ाइयां ही इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है और जीवन पर साहित्य का अधिक प्रभाव और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। अब अगर पैराग्राफ में शीर्षक की बात करता है कि उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक दीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको केवल संक्षेपण में ही शीर्षक पूछेगा, कभी कभी अनसीन पैसेज का भी शीर्षक निकालने के लिए कहता है। पूरे पैराग्राफ को आपने सुना होगा तो आपको नजर आया होगा कि इसमें साहित्य की बात की गई है, ठीक है ना। तो अच्छा साहित्य कह सकते हैं या साहित्यिक प्रभाव कह सकते हैं या भाषा और साहित्य कह सकते हैं। प्रश्न को देखते हैं, ये भी आपके 6 नंबर का है। अब देखने वाली बात है बेटा, कभी कभी प्रत्येक प्रश्न जो पूछा जाता है अगर वो वन लाइनर की तरह है तो एक एक नंबर का होगा, कभी कभी उसमें कुछ शब्दों की सीमा या कुछ विस्तार करने कहता है तो उसके अंक बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि पुराने अनुच्छेद की तरह यहां भी आपको 3 प्रश्न है जो एक एक नंबर का है, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो 1 प्रश्न है जो 3 नंबर का है। कभी कभी इसी में व्याकरण का पक्ष भी आपको पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह देती हूं कि क्रोध किस प्रकार का शब्द है तो पहचानना है, तो क्रोध हमारे तत्सम का शब्द है। अगर मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पर कि एग्जांपल कह देता है कि भय का विलोम शब्द बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, निर्भय लिखेंगे। इसी प्रकार यहां कह सकता है कि वाक अनुच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय वाले शब्दों को चुनकर लिखिए, या कह सकता है अनुच्छेद में उपसर्ग वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तो कभी उसकी इच्छा हुई तो व्याकरणिक पक्ष को भी पूछता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि आपके व्याख्यात्मक प्रश्न पूछा गया है इसलिए हम पूरा लिखेंगे। यहाँ कहता है राम काका की कुटिया किस प्रकार की रचना है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया कि यदि आपने केवल ये लिख दिया है ना, अगर आपने कल इतना ही सेंटेंस लिख दिया, ठीक है ना, कि गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना, तो वहां पर आपके अंक कटौती होंगी। इसे पूरा क्या लिखना होगा, राम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है, यानी पूरा सेंटेंस आपको उठाना है। आप कह रहे होंगे कि मैडम आपने कहा कि कॉपीराइट नहीं करना है, यानी कि वहां के लाइन को लेकर नहीं आना, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चंस है तो जहां पर आपको आवश्यकता हो उस चीज को आप वहां पर उठाकर रख सकते हैं। साहित्य का सदा नया क्यों बना रहता है, क्या कह रहा है, साहित्य का सदा नया क्यों बना रहता है, क्योंकि दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते रहते हैं और साहित्य हृदय की वास्तु है, मानव हृदय में तब्दीलियां नहीं होती, ठीक है। तब क्या लिखेंगे कि साहित्य हमेशा सदा नया इसलिए बना रहता है कि साहित्य हमेशा नया इसलिए बना रहता है क्योंकि दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं पर साहित्य में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साहित्य सच्चा इतिहास क्यों है, ठीक है ना। तो साहित्य सच्चा इतिहास है, क्यों है साहित्य सच्चा इतिहास, क्योंकि उसमें अपने देश और कला का जैसा चित्र होता है वैसा कोई इतिहास में नहीं होता। तो क्या कह सकते हैं कि साहित्य सच्चा इतिहास इसलिए है क्योंकि उसमें अपने देश और कला के जैसे चित्रण किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित की व्याख्या कम से कम 7 शब्दों में कीजिए, 3 लाइन का है आपका 3 नंबर का। तो देखिए क्या लिखा है, साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। इस अंडरलाइन वाक्य को आपको क्या करना है, 30 शब्दों आपके 7 शब्दों में लिखना है,
ठीक है, तो क्या कह रहे हैं एग्जाम प्रश्न ने, क्या अंडरलाइन किया था कि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। तो अब क्या लिखेंगे, साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। समाज पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार की परिवर्तन, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक हो, सभी का प्रभाव साहित्य के माध्यम से दिखाई पड़ता है। इस पर देश काल के इतिहास का विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए हम साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब कह सकते हैं या साहित्य देश काल का प्रतिबिंब होता है। तो सात शब्द में आपको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह की चीजों को लिखनी है। तो दो प्रकार के अनसिंपल पैसेज से मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो समझा दिए कि किस प्रकार लिखना है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी प्रश्न में काम चोरी नहीं करनी है। अगर कहते हैं सच्चे हृदय की व्यथा का वर्णन, नहीं, पूरा आपको लिखना होगा राम काका की कुटिया, राम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है। तो पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। अगर आप ऐसा पूरा लिखते हैं तो मान के चलिए कि सबसे ज्यादा स्कोर आपको अनसीन पैसेज से भी व्याकरण की तरह ही मिलेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ही उसके उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, कुछ उत्तर लेखन में खुद की उत्कृष्टता को भी वहां पर बताना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है हमारे लिए आपका हिंदी साहित्य, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाएं। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उसकी रचनाएं, ये आपके सीजीपीएससी मेंस में 8 से 10 नंबर के पूछे जाने वाला टॉपिक है, जिसको सीजीपीएससी मेंस हिंदी भाषा में भी कभी 5 नंबर का, कभी 6 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर का, हमेशा से ये 5 नंबर का हिस्सा बनाकर चला आया था। लेकिन सिलेबस में जैसे ही चेंजेस किए गए, अचानक एक बार 6 नंबर का पूछ लिया गया और एक बार आपको 4 नंबर की भी पूछे गए थे। कुछ एक वर्ष ऐसे थे जहां 3 नंबर का पूछा था, पर इस टॉपिक को स्किप नहीं किया गया। दूसरी बात, मान के चलिए कि अगर हम भाषा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत 150 नंबर में से अंकों की बात करें, तो दोनों भाषा में 15 अंक का प्रश्न जो है वो आपको केवल छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से पूछता है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप अगर लिखते हैं तो पूरे अंक मिलेंगे। मैं बार बार आपको कह रही हूं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, तो क्वेश्चन पेपर के मिलते ही आपका दिमाग शांत रहता है उस समय, तो उसके उत्तर यदि आपको 110% कंफर्म है कि हाँ इसका जवाब यही है, तो उसके बगल में आप उसका जवाब लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको उसका उत्तर लेखन करना है, तो आपको उसके उत्तर लेखन को दिए गए लाइन में ही लिखना है। मान लीजिए यहां पर 3 लाइन दिया है, तो सोचिए कि यहां दिया है निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन साहित्यकारों की है, मतलब यहां पर रचना दे दिया है, केवल आपको रचनाकार का नाम लिखना है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, इस स्थिति में आप अंक डालेंगे और उसके बगल में उसके साहित्यकार का नाम जो है वो लिखेंगे। लेकिन उत्कृष्ट रूप से अगर देखा जाए, है ना, जैसे उत्कृष्ट रूप से देखा जाए, तो यहां पर आप लिखेंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ ही भूल भूलैया, ठीक है ना, इसके बाद इसका नाम लिखेंगे। इसी प्रकार हमर कतका सुंदर गांव, ठीक है, इसके बगल में इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार चंदा अमृत बरसाइस, ठीक है, इसके बगल में इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं छत्तीसगढ़ ही भूल भुलैया, ये क्या था आपका, एक रचना है जहां पर आपके व्यंगात्मक प्रधान प्रयोग थे। हमर कक्का सुंदर गांव, ये एक कविता की शैली में लिखा गया रचना है। इसी प्रकार चंदा अमृत बरसाइस, दूसरी बात, ये चंदा अमृत बरसाइस को छत्तीसगढ़ का दूसरा उपन्यास का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब इनके
साहित्यकारों का नाम इनके बगल में आपको लिखना होगा। यानी कि जैसे अगर फूटहा करम कहता है तो केयूर भूषण लिखेंगे, इसी प्रकार अगर कहता है शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स का पुरुजुरु में अनुवाद किसने किया तो आपको शुक्ला प्रसाद पांडे लिखेंगे, और इस तरह आपके जवाब उसके बगल में होना चाहिए। जैसे कि लखनलाल गुप्त प्यारे लाल गुप्त है, ठीक है, ये आपको इस प्रकार उत्कृष्ट लेखन करना है। अगला है इसी का दूसरा पक्ष, इसी प्रश्न का दूसरा पक्ष। एक ने क्या कहा कि रचना दे दी और उसके रचनाकार का नाम लिखना है, और दूसरा क्या कहता है छत्तीसगढ़ी भाषा के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचनाएं लिखिए। अब इसका दूसरा पहलू है, पहले ने आपको रचनाएं दे दिया उनके रचनाकार का नाम लिखना है, और दूसरा ने दिया है साहित्यकार और उससे संबंधित रचना लिखनी है, जैसे कि खूबचंद बघेल। अब जब आपको प्रश्न देगा ना तो प्रश्न एक सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, इसके नीचे लाइन नहीं दिया होगा। आपको कैसे करना होगा, इसके नीचे लाइन नहीं दिया होगा मतलब कि आपको प्रश्न के बाद यहां पर लाइन जो है वो दिया होगा, ठीक है ना, प्रश्न के बाद यहां लाइन दिया होगा। तो यहां पर आप खूबचंद बघेल की रचना है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर खूबचंद बघेल लिखेंगे, बगल में आप लिखेंगे करम छड़हा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है। मान लीजिए आपने यहां पर लिखा, आपने यहाँ पर साहित्यकार का नाम लिख दिया जैसे कि खूबचंद बघेल, ठीक है ना, खूबचंद बघेल, ठीक है, बगल में क्या लिख दिया आपकी रचना। अब यहाँ पर आपको क्या पूछना है, स्पेशली कितनी रचना लिखनी है, एक एक रचना लिखिए, तो जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखिएगा, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने लिख दिया जैसे कि करम छड़हा, ठीक है ना, काफी है। इसी बार आपके बंशीधर पांडे का पहला उपन्यास तो क्या लिखेंगे, बंशीधर पांडे, आप क्या लिखेंगे, हीरो के कहीनी। इसी प्रकार पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी तो भोलवा भोलाराम बनीस, ठीक है, और ये आपके दो प्रश्न हैं जो छह नंबर का, यानी कि आपको तीन तीन प्रश्न पूछे जा सकते हैं दो तरीके से, या तो एक ही प्रश्न पूछा जाता है जहां दोनों को प्रकार के क्वेश्चन को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो क और ख के सेक्शन में, या तो केवल एक ही होगा जहां दोनों प्रकार के प्रश्नों को मिला दिया जाएगा। अब बारी आती है हमारे लिए आपके अगले प्रश्न की। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं कि केयूर भूषण के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, या रचना दे दिया कि श्री कृष्ण कथा महाकाव्य के रचनाकार का नाम लिखिए, दही के भोरहा माँ इसके रचयिता कौन है। तो कभी कभी आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न एक ही जगह मिलाकर दे दिए जाते हैं, या क और ख की श्रेणी में उसे बांटकर अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि छत्तीसगढ़ के साहित्यकार तीन से छह नंबर तक का अपना स्थान हिंदी भाषा में रखता है, ठीक है। अब आती है बारी संधि की। जब संधि सीजीपीएससी मेंस में 2017 तक पूछी जाती थी तो संधि और समास से एक ही प्रकार का प्रश्न पूछता था, किसी वर्ष कहता था निम्न की संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए, किसी वर्ष कहता था निम्न का संधि विच्छेद कीजिए और संधि की पहचान कीजिए। क्योंकि अंकों में बढ़ोतरी कर दी गई है इसलिए अब संधि से आपको मान लीजिए कभी चार नंबर का एक प्रश्न और कभी आपके तीन नंबर का एक प्रश्न, इस तरह चार चार कहकर आठ नंबर का या तीन तीन कहकर छह नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चार से छह आठ नंबर तक का प्रश्न, यानी कि छह से आठ नंबर के प्रश्न का वेटेज आपकी संधि का है, और मान के चलिए कि संधि पूरी तरह से आपको गणित की तरह नंबर देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संधि में यदि आपको प्रश्न कहा गया कि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, मान लीजिए कहता है जैसे कि भारत धन इंदु, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको प्रश्न दे दिया भारतेंदु का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है, ये कितने नंबर का है, एक नंबर का, कि संधि विच्छेद में आधा नंबर और आधा नंबर आपके उसके नाम के पहचान में है। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा बेटा कि आप अगर संधि विच्छेद किया जाएगा ना तो संधि विच्छेद में आपके दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अक्षर को और पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर को भी ध्यान में रखा जाएगा,
ठीक है। दूसरी बात, यदि आप यहाँ संधि का नाम लिख रहे हैं, चूंकि आपको पता है कि संधि हिंदी में 5 प्रकार के स्वर में होते हैं और आपके संस्कृत के अनुसार व्यंजन संधि के भी नाम होते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आपने भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु लिख दिया, ठीक है, और यहाँ आपने मान लीजिए गलती से लिख दिया वृद्धि स्वर संधि, तो यहाँ तो आधा नंबर आपको मिलेगा पर यहाँ आपके नंबर काट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भारतेंदु जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है बल्कि यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर यदि आप लिख दे स्वर संधि, इसी प्रकार आप लिख दे व्यंजन संधि, तो पूरे अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न में किस प्रकार ध्यान रखेंगे कि पहले शब्द का लास्ट साउंडिंग लेटर, दूसरे शब्द का फर्स्ट साउंडिंग लेटर भी क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट बता दो, किसी शब्द में यदि वो ईश कहता है तो इसकी शुरुआत दूसरे शब्द की बड़ी ई से होगी, अगर किसी शब्द में इंदो कहता है, ठीक है ना, इसी प्रकार किसी शब्द में इंद्र कहता है, जैसे सुरेंद्र कहता है, भारतेंदु कहता है, पूर्णेंदु कहता है, रविंद्र कहता है, सुरेंद्र कहता है, तो इसकी शुरुआत है जो छोटी ई से आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार किसी शब्द में आपको उष्मा मिलता है, किसी शब्द में यदि आपको ऊर्जा मिलता है, जैसे कि भूष्मा, भूर्जा, समुद्र उर्मी, है ना, तो ऊर्जा, उष्मा और अगर उर्मी कहता है तो इनकी शुरुआत दीर्घ उ से कीजिएगा। लेकिन किसी शब्द में जैसे उत्साह और उदय मिलता है, जैसे वधुत्सव, भानोदय, है ना, तो अगर वो उदय कहता है या वो हमारे लिए उत्साह कहता है तो इसकी शुरुआत दूसरे शब्द में छोटे उसे होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा बेटा, मात्रात्मक चीजों को बहुत क्लियरिटी से रखना ध्यान में, क्योंकि अगर आप प्रोनंसिएशन गलत करेंगे ना तो लेखन की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। तो चलिए देखते हैं कि संधि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, कितने अंक का बेटा, 2 अंक का। तो आपको क्या करना होगा कि केवल आपको यहाँ पर क्या चीजें करनी, केवल संधि कर आपका विच्छेद करना है, जैसे कि आपको दिया गया यहाँ पर 2 लाइन, ठीक है, तो जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही पहला, दूसरा, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा। जैसे कि अगर आप बना रहे हैं क्या, 9 धन 1, 9 धन 1, ठीक है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर आपका 3 और ये आपका 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 9 धन 1। अब केवल आपने इतना बना के छोड़ दिया तो भी अंक काटे जा सकते हैं क्योंकि आंसर की पूर्णता नहीं है। आपका दिमाग कहता होगा कि यहाँ तक केवल संधि विच्छेद करने बोला है तो मैंने नंबर 2 डाल दिया और संधि विच्छेद कर दिया, नहीं, इसके उत्तर को भी लिखना होगा। 9 धन 1 बराबर नाविक, केवल इतना ही कीजिएगा। जैसे आपका प्रतिधन अभिज्ञान, प्रतिधन अभिज्ञान कहता है तो आप क्या लिखेंगे, प्रत्याभिज्ञान, ठीक है ना, इतना लिखकर आपको छोड़ देना है तो पूरे अंक आपको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने केवल इतना लिखा छोड़ दिया तो भी अंक में कटौती होगी, ठीक है। और इस रूप में आपको अगर आप जानबूझकर यहाँ पर जो नहीं पूछा वो भी मेंशन करते हैं, गलती से भी आपने गलत जवाब दिया तो अंक काट दिया जाएगा, ठीक है। अगला है आपका उसी का कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अब यहाँ पर उसी का दूसरा पक्ष दे दिया है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। यहाँ पर भी देखिए बेटा, संधि का नाम लिखने नहीं कहा है, मतलब प्रत्येक ऑप्शन में आपके आधा नंबर है, तो मातृधन आनंद तो आप क्या लिखेंगे, मात्रानंद, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुर्संधि, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, दुर्संधि, ठीक है। इसी प्रकार वाक्मय से क्या बनेगा आपका, वांगमय, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा आपकी, वनौषधि, ठीक है। और इस प्रकार आपको संधि से केवल संधि करने कहा है, नाम लिखने नहीं बोला, तो जहां पर आपको दिया जा रहा है उसके बगल में लिखिए। आप कभी भी प्रश्न में यहाँ पर उसका उत्तर जो है आप नहीं लिखेंगे, जैसे कि मात्रानंद यहाँ लिख दिया, इसी प्रकार वांगमय यहाँ लिख दिया, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, दिए गए स्थान में ही उसका उत्तर लेखन आपको करना है, ठीक है। अगला है, इसी में एक पक्ष
जिसमें अंक ज्यादा होंगे और दोनों हिस्से होंगे, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, चार नंबर का है। मतलब अब प्रत्येक ऑप्शन में आपके एक एक नंबर है कि संधि विच्छेद में आधा नंबर और आधा नंबर उसके नाम में है, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे कि वधु धन आगमन बराबर, आप क्या लिखेंगे, जैसे कि वधवा गमन। आपने संधि विच्छेद करके नाम लिख संधि कर ली, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, स्वर संधि। अगर आपको पता है तब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको यज्ञ का य और वचन के व के पहले का अक्षर अधूरा होता है तो यह स्वर संधि है। यदि यह पूरी तरह से कंफर्म है तभी उस संधि का नाम लिखेंगे। जहां भी मन में छोटा भी डाउट होगा तो आप वहां पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मनोधन ताप से बन जाएगा मनस्ताप, यानी कि विसर्ग संधि। परिधन छेद से बनेगा परिच्छेद, यानी कि व्यंजन संधि। इसी प्रकार तत्धर टीका से बनेगी तट्टीका, यानी कि व्यंजन संधि, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर आते हैं, अगला है उपसर्ग और प्रत्यय। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है इससे हमेशा एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे कि निम्न उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण कीजिए, निम्न प्रत्यय के प्रयोग से दो दो शब्द को निर्मित कीजिए, केवल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे। लो आपके हमेशा कभी तीन नंबर का उपसर्ग से, कभी तीन नंबर का प्रत्यय से, कभी उपसर्ग आते थे तो प्रत्यय नहीं आता था। लेकिन जैसे ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है इसके अंकों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और अब यह उपसर्ग प्रत्यय चार से छह नंबर का हो चुका है। साथ ही कभी कभी एक ही प्रश्न पत्र में दो तीन जगह भी आपके उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न दिए जाते हैं और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर दिया हुआ निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर आपको उपसर्ग से निर्मित शब्द दिया है, कितने नंबर का है, दो नंबर का है। अब यहां पर एक ऑप्शन में कितने नंबर हो जाएंगे, हाफ मार्क्स हो जाएंगे, यानी आपको यहां पर उसके उत्तर के लिए दो लाइन दिया होगा, ठीक है ना। अब आप देख पा रही होंगे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि जो ग्रामर सेक्शन होता है टू मार्क्स के होते हैं, तो जब आपको इसमें उत्तर लेखन करना होता है चार विकल्प होते हैं, तो उस दो लाइन में आप एक हिस्से में दो और एक हिस्से में दो प्रश्न को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर दिया है अत्युक्ति, अन्वेषण, दुर्लभ और निरीक्षक। आपको क्या उत्तर दिखना है, अगर आप यहां पर लिख रहे हैं अत्युक्ति, ठीक है ना, इस अतियुक्ति में आप क्या लिखेंगे, अति उपसर्ग उक्ति मूल शब्द, ठीक है ना। आप इस तरह का उत्तर इसमें आप लिख सकते हैं, जहां आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दुर्लभ कह रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, दुर् उपसर्ग, ठीक है ना, लाभ धातु, या फिर धातु आपका लभ जो है वो आपका मूल शब्द है, ठीक है। तो यहां पर आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं उपसर्ग और यहां पर लिख देते हैं आपका शब्द और यहां पर लिख देते हैं नवीन शब्द, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर भी एक प्रकार का लिख सकते हैं, जैसे कि अति उपसर्ग उक्ति मूल शब्द बराबर अत्युक्ति। अगर आप इस रूप को भी लिखते हैं तो भी आपके उत्तर लेखन में आपको अंक दिया जाएगा। तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी इसका उत्तर आपके द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने नंबर का है, एक नंबर का। प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए, कितने नंबर का है, एक नंबर का, यानी दोनों प्रश्न मिला के कितने अंक के हुए, एक एक अंक के, ठीक है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द पे नयापन या विकार उत्पन्न करने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। बिक धन आओ बराबर बिकाऊ,
ऐसा कहकर आपका उत्तर पूरा लेखन होता है। दूसरा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कम से कम दो अंतर तो लिखना होगा, है ना। तो अगर आप चाहें तो इसे दो हिस्से में बांट सकते हैं, जैसे एक तरफ उपसर्ग कर दिया और एक तरफ आपने कर दिया प्रत्यय, ठीक है। इसमें आंसर बहुत क्लियर नजर आता है, कम से कम दो अंतर लिख दीजिएगा, हालांकि वो एक नंबर का है, फिर भी दो अंतर लिख दीजिएगा। और क्या लिखेंगे, किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़ता है वो है उपसर्ग, और धातु शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग एक दो अक्षर का ही होता है, जबकि प्रत्यय एक दो तीन अक्षर वाले भी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप उसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में उसके अंतर को मेंशन कीजिएगा। उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, वो मूल धातु शब्द पर निर्भर करते हैं और बहुत दिशागामी हो जाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर करता है, जुड़ने के बाद भी उसी शब्द से संबंधित अर्थ को ही प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला देखिए कि निम्नलिखित प्रत्यय से एक एक शब्द बनाइए। अब आपके उत्तर लेखन में आपको दिया है चार, कितने नंबर का है, दो नंबर का, मतलब कि यहाँ पर आपको सभी में कितना है, आधा आधा है। अब आधा आधा क्यों है, क्योंकि आपको एक एक शब्द बनाना है, इसलिए उत्तर में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आवट प्रत्यय लिख दिया, जैसे कि आपने लिख दिया बनावट, ठीक है। ऑप्शन टू यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि अन्न कह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया। इसी प्रकार अगर यहाँ पर आपने एक लिखा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया जैसे कि धार्मिक, ठीक है ना, आरस में, तो ऐसा आपको इसका उत्तर को लिखना है। यहाँ किसी प्रकार से और यहाँ पर या यहाँ पर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ उसके शब्द बना दिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखा जाए तो आपके उत्तर लेखन को अच्छा माना जाएगा। वैसे ही दिया है उपसर्गों से दो दो शब्द की रचना कीजिए, कितने नंबर का है, तीन नंबर का, एक दो तीन, मतलब कि आपको दो दो शब्द बनाना है, मतलब एक प्रश्न में आपके दो एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर अधः, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, जैसे कि अधोगति, उसी प्रकार आप लिख देंगे जैसे कि अधः पतन, इसी रूप में दूसरा में लिख देंगे जैसे कि आ, ठीक है ना। अब अगर आ कहता है तो आप क्या लिखेंगे, जैसे कि आगमन कहता है, ठीक है, इसी प्रकार आजीवन कहता है। अगर गलती से आपने एक छोड़ दिया, मान लीजिए सेकंड में आपको दो तो समझ में आ गया, हो सकता है आपका तीसरा समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि दूर, है ना। अब दूर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप इसमें दुराभाव लिखते हैं तो दूर अभाव तो होता नहीं है, इसलिए अगर आपने इसको लिखकर छोड़ दिया तो यहाँ आपके अंक कट गए, एक और दो अंक ही आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बनाया, ठीक है ना, एक बनाया, एक छोड़ दिया, तो आधा 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 करके केवल डेढ़ अंक ही आपको दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। तो पूरा जैसा प्रश्न पूछ रहा है कि दो दो शब्द की रचना करनी है तो मेंशन करना होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि शब्द में से मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग कीजिए। इससे पहले उपसर्ग अलग करने कहा था, वैसे ही देखिए प्रत्यय को अलग करना है, ठीक है। जैसे कि मनुष्यत्व, ठीक है ना, उसी प्रकार खपरेल, साधन, लिखित और मानसिक। तो आप मान लीजिए लिखते हैं मनुष्य जो है वो आपका क्या है, धातु है, यानी कि शब्द है, ठीक है, और आपका जो त्व है वो आपका प्रत्यय है, त्व जो है वो आपका प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप शब्द लिख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रत्यय लिख सकते हैं, और यहाँ पर नवीन शब्द लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल कहता है, जैसे कि लिख धातु शब्द है, इसमें इत प्रत्यय जुड़ा है, तो हमारे लिए क्या बन गया, लिखित बन गया, ठीक है। तो प्रत्यय वाले शब्द और उपसर्ग वाले शब्द में अलग करने देगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन
अगर आपको शब्द बनाने देगा तो आपको इस प्रकार की प्रक्रिया को निभाना है। तो ध्यान से समझिएगा, एक सिक्के के दो पहलू। यदि उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बनाने बोलेगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया निभाएंगे, और अगर मूल शब्द और प्रत्यय को या मूल शब्द या उपसर्ग को अलग करने कहा जाएगा तो उसकी प्रक्रिया जो है वो अलग होगी, जो मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, अब जिस प्रकार प्रत्यय किसे कहते हैं कहता है प्रश्न, वैसे उपसर्ग किसे कहते हैं कितने नंबर का है, अब ये दो नंबर का है। कि किसी भी मूल धातु शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में नयापन लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, दिन में उप उपसर्ग जुड़, आपका दिन में प्रति उपसर्ग जुड़ने से बन जाएगा प्रतिदिन। ठीक है, अगला प्रश्न, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, आस और पन प्रत्यय से एक एक शब्द की रचना कीजिए, कितने नंबर का है, दो नंबर का, यानी आपका एक नंबर यहाँ है, आधा नंबर इसमें है, आधा नंबर आपका इसमें है। तो आपका उत्तर लेखन क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के, क्या लिखेंगे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के मूल धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, समाज धन इक बराबर सामाजिक। ठीक है, अब यहाँ पर आस प्रत्यय कह रहा है तो यहाँ पर तीन लाइन दिया होगा, यानी या फिर दो लाइन दिया होगा, तो आपने डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है ना, कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण लिख दिया, समाज धन एक बराबर सामाजिक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपको प्रत्यय उपसर्ग या किसी भी शब्द की परिभाषा पूछती है तो परिभाषा को बताने के बाद एक उदाहरण लिखना अति अनिवार्य है, कंपलसरी है एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हालांकि वो एक नंबर का प्रश्न क्यों ना हो, पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, समास हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न को आशय पूछता है, क्या समझते हैं पूछता है, या परिभाषा पूछता है, तो व्याकरण में एक उदाहरण का दिया जाना अति अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया और फिर से क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया आपने आस। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे कि आपने लिख दिया खटास, कितना पूछा है, एक शब्द, ओनली खटास लिख दिया, मिठास लिख दिया, यहाँ पर इसी प्रकार कह रहा है पन, तो क्या लिखेंगे, लड़कपन। ठीक है ना, बचपन, अगर नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है तो आप कहां पर लिखेंगे बेटा, बगल में, जैसे कि दो लाइन दिया हुआ है जहां डेफिनेशन खत्म हुआ। अब यहाँ पर हमने आस लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दी खटास, अब यहाँ पर इसी ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के पन लिख दिया। ठीक है ना, इसको नंबरिंग कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए लड़कपन। क्लियर हो गया, और इस तरह आपके प्रश्न जो है आपको उत्तर राइटिंग उत्तर लेखन करना है। ठीक है, अब आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसकी खासियत क्या होती है, इसे हम स्थापन्य शब्द कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो लगातार उसके विकल्प दे देते हैं और नीचे दे देता है आपको लाइन। ठीक है ना, कितना है आपको दिया हुआ है चार, तो आपको दे देगा चार लाइन। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, आपके पास इतना समय नहीं होता कि पूरा सेंटेंस को उतार सके, कुछ बच्चे क्या करते हैं उसके बगल में उत्तर लिख देते हैं, जैसे बुलाया ना गया हो तो वो क्या कर देता है अनाहुत। ऐसी सिचुएशन में अधिक समय तक जिंदा रहने की इच्छा तो जिजीविषा, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि तो कुशाग्र बुद्धि, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। कुछ बच्चे क्या होते हैं इसके बगल में आंसर लिखते हैं और ये जगह जो है वो खाली नजर आती है। ऐसी सिचुएशन में आपके पूरे अंक जो है वो आपको ना दे करके अगर चार नंबर का है तो केवल डेढ़ से दो नंबर ही देगा। ऐसी सिचुएशन में ये गलती मत कीजिएगा, अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं उतार पा रहे हैं, क्योंकि तीन प्रश्न पत्र आपको बनाने हैं, हिंदी भी है साथ ही दो विषय और हैं, तीन प्रश्न पत्र यानी कि आपका हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी का और आपकी अंग्रेजी का, सडनली 100 नंबर की हिंदी से आप डायरेक्ट इंग्लिश में चले जाते हैं, इंग्लिश से माइंड सेट करके आप छत्तीसगढ़ी में चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हिंदी जो है ज्यादा समय ले लेता है और आपके अंग्रेजी में और आपके छत्तीसगढ़ी के समय कम बचता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां उसे पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं है, जो छोटे छोटे होंगे ना, जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उसको आप उतार सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस फॉर्म में होगा इसको उतारने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर आंसर
लिख देंगे, जैसे कि पहले में लिख दिया अनाहुत, दूसरे के लिए लिख दिया जैसे कि जी जी विशा, ठीक है ना, तीसरे के लिख दिया जैसे कि आपने लिख दिया कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, और चौथे के लिख दिया आपने युयुत्सु, ठीक है। तो इस तरह आपको पूरे अंक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको अगर पांच प्रश्न दे रहा है तो सोचिए तो कि अगर आपने यहां पर केवल दो मेंशन किया मतलब केवल आपको दो मिलेगा। तो जिस तरह मैं हमेशा बार बार यही कहती हूं कि जिस प्रकार मैथ्स के पेपर में रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप जितना लिखते हैं उतना नंबर मिलता है, तो मैथ्स की तरह ग्रामर सेक्शन आपको नंबर देता है। बार बार मैं आपसे यही कह रही हूं कि व्याकरण का हिस्सा जो 45 से 50 कभी 55 से 60 नंबर का होता है, अगर इक्वल बैलेंस लेकर चले हिंदी के पेपर में तो 50 से 55 नंबर तक का कभी 58 नंबर का प्रश्न केवल व्याकरण होता है जो पूरा का पूरा अंक आपको देता है। पर उत्तर लेखन की शैली उसकी सही होनी जरूरी है, काम चोरी करना नहीं है। और इस तरह अगर आपको 6 लाइन देता है मतलब 6 प्रकार का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछता है तो 6 लाइन के जो उस प्रश्न है उसमें 6 अंक होंगे, मतलब कि वो एक एक नंबर का होगा। हाँ, यदि वो आपको 6 देकर 3 नंबर का कह रहा है तो वो आधे आधे नंबर में बट जाएगा। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के बाद में आता है वाक्य विचार से संबंधित चीजें, और साथ ही इसमें वर्तनी शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न को देता है, ठीक है। तो वर्तनी शुद्धिकरण हो या वाक्य शुद्धिकरण हो, इसका मतलब होता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होंगे, ग्रामेटिकल एरर्स जो होंगे उसको हमको ठीक करना है। तो ग्रामेटिकल एरर है या आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं उसकी शुद्धता करनी है। किसी प्रकार की वाक्य शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके वाक्य के अर्थ को ही बदल दे। वाक्य के अर्थ और भावार्थ बदलना नहीं है, बल्कि व्याकरणिक अशुद्धियों को, वर्तनी की अशुद्धता को ही दूर करना है। तो इसमें प्री में आपके अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछता है ना, जैसे प्री में क्या पूछता है कि निम्न में किसकी वर्तनी शुद्ध है या नहीं है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है या नहीं है, निम्न में से कौन से शुद्ध है कौन से अशुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है। पर मेंस में आपको लिखने देता है कि निम्न वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, या कहता है निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो निम्नलिखित शब्द के शुद्ध रूप लिखिए, तो आपको बगल में इसका नाम को नहीं लिखना है। मैंने पहले ही बोला कि जो व्याकरणिक पक्ष होंगे, तो आपने यहां पर लिख दिया जैसे कि मंत्रिमंडल, ठीक है ना, तो उत्तर क्या लिखेंगे जैसे कि मंत्रिमंडल, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका ऑप्शन टू कहता है तत्कालिक, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे तात्कालिक। तो ये फॉर्मेट में यदि आप लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत सा और अच्छा जो है प्रदर्शन दिखाई देता है। लेकिन अगर समय का अभाव है तो नंबर आप सही रखेंगे और नंबर सही रख के उसके उत्तर को लिखेंगे। जैसे कि अगर आप 3 नंबर लिखते हैं, अगर आप लिख देते हैं कवयित्री तो भी आपको नंबर जो है वो दिया जाएगा, लेकिन शुद्ध रूप में लिखना जरूरी है। जैसे कि आग्रह नहीं बल्कि आर्द्रह होता है, साहित्यक नहीं बल्कि साहित्यिक होता है, कुशल पूर्वक नहीं सकुशल पूर्वक नहीं बल्कि कुशल पूर्वक होता है। तो शुद्धता इसकी वर्तनी की अशुद्धि को दूर कर रहा है, ठीक है। अगला है जैसे कि इसमें निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, यहां पर वही प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, यानी कि यहां पर भी वर्तनी को शुद्ध करके लिखना है। और यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। यहां पर फिर से लाइन दिया जाएगा 3 लाइन, कितने नंबर का है 3 नंबर का, तो यहां पर 1, 2, 3, यहां 4, 5, 6 ऐसे करके आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि इतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा, ठीक ना, सादृश्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार प्राग हासिक होगा, ठीक है, इसी रूप में अनेक होगा, घनिष्ठ होगा और पूजनीय होगा, यानी कि अनेक, घनिष्ठ, ठीक है, और पूजनीय, ठीक है। इस रूप में भी आप लिखते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेगा। और यदि आपके पास में शुद्धता के लिए लिखने के पर्याप्त समय है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे दर्जे की है, तो आप जैसे मैंने बताया है वैसा लिखेंगे तो भी अंक मिलेगा, परंतु काट छांट जगह जगह बार बार करना नहीं है, ठीक है।
अब इसी का अगला है निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है ना, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अब यह है 3 नंबर का, मतलब एक एक ऑप्शन में आपको एक एक नंबर दिया गया है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आपको दिए गए लाइन में आपको लिखना है, और यहां पर से वाक्य शुद्धिकरण की खासियत होती है वाक्य के अर्थ को परिवर्तित नहीं करना है, उसमें आई हुई गलती को दूर करना है। जैसे एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, तो विश्वविद्यालय एक नहीं है, है ना, विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं। दूसरी बात, वहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। यहां गलती क्या है कि ये जो एक शब्द है वो आपका यहां पर आएगा, यानी कि विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। दूसरी बात, भारत सरकार ने स्वर्गीय कामराज को भारत रत्न की उपाधि अर्पित की, नहीं, अर्पण करना और प्रदान करना, है ना। अर्पण करते हैं हम अपने से बड़ों को, यानी कि हम क्या करते हैं जब किसी परमेश्वर के सामने या अपने से बड़ों को कोई देते हैं तो अर्पण करते हैं, लेकिन जो कोई उपाधि वगैरह होती है तो उपाधि अर्पण नहीं की जाती, बल्कि उपाधि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है, है ना। अब इस सेंटेंस में केवल एक ही अशुद्धि है कि भारत सरकार ने स्वर्गीय कामराज को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की। इस विद्वान महिला का सम्मान किया गया, महिला कभी भी विद्वान नहीं होती, ठीक है ना। अब इस विदुषी महिला का सम्मान किया गया, नहीं, विदुषी महिला का इस लगाने की जरूरत नहीं है, विदुषी महिला का सम्मान किया गया। और इस तरह आपको वाक्य की जो भावार्थ है उसकी अशुद्धता जो व्याकरणिक रूप से थी उसको दूर करके यहां पर लिखना है, ठीक है। अभी यहां पर दिया है निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। एक गुलाब के फूल की माला तो नहीं बनेगी, है ना। अब यहां पर क्या होगा, सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। शोक तो किसी की मृत्यु पर प्रकट करते हैं, हम क्या लिखेंगे, खेद है, है ना। इसी प्रकार मैंने नया पुस्तक खरीदा, नहीं, पुस्तक चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए कल मैंने एक नई पुस्तक खरीदी, कल मैंने एक नई पुस्तक खरीदी, क्लियर हो गया। अब आता है आपके लिए संक्षेप में लिखना है शब्द और वाक्य किसे कहते, 2 नंबर का है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे जैसे कि शब्द, ठीक है। वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है ना, वर्ण अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यहां लिख दिया उदाहरण, जैसे कि र आ म अ बराबर राम, क्लियर हो गया। इसी प्रकार वाक्य, अब यहां पर आप लिखेंगे वाक्य, शब्द पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, मैं रोटी खाता हूं, है ना, मैं रोटी खाता हूं, तो ये आपके अति संक्षेप में आपने उसको लिख दिया, ठीक है। अब आती है बारी हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखिए, 2 नंबर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा कि वाक्य में वक्ता कहते समय, श्रोता सुनते समय, लेखक लिखते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकता या ठहरता है उसे विराम कहा जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम सबसे प्राचीन विराम माना जाता है, साथ ही हिंदी में हम अल्प विराम, पूर्ण विराम, तो हिंदी के प्रयुक्त विराम चिन्हों को लिखिए। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह निम्न है, जैसे कि पूर्ण विराम, ठीक है, अब वहां पर लिख दिया ये, उसी प्रकार अल्प विराम, ठीक है, आपने लिख दिया कॉमा, ठीक है, इसी प्रकार अर्ध विराम, ठीक है ना, आपने लिख दिया आपका ये, ठीक है। इसी रूप में आपको कम से कम 4 से 6 लिख देंगे, इतना आपका विराम चिन्ह जो है वो काफी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देते हैं, पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है, इसके लगभग 100 शब्दों में उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का है। मतलब कि पदबंध में आपका 2.5 नंबर है और उपवाक्य में भी आपके 2.5 नंबर है, ठीक है ना, 2.5, 5 नंबर, ठीक है। अब इसके अंतर को लगभग 100 शब्द में उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो यहां पर पदबंध को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पूर्ण रूप से, ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हैं आपके उपवाक्य को। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो उसको 1-2 रूप में परिवर्तित करके आप उसको लिखें, ठीक है। तो पदबंध क्या है, वाक्य में प्रयोग होने वाले सारे शब्द पद
यानी वाक्य में प्रयोग होने वाले समस्त पद जब एक संपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं तब बंधे हुए उस इकाई को पदबंध कहा जाता है। राम रोटी खाता है, राम संज्ञा शब्द है, रोटी कर्म है, जो सराम है वो करता है, रोटी कर्म है और खाना उसकी क्रिया है। इसी प्रकार उपवाक्य, किसी प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य को उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहा जाता है, जो मुख्य वाक्य पर निर्भर होती है, जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं। मोहन कहता है कि वह जाना चाहता है, इस वाक्य में वह जाना चाहता है उपवाक्य है, जो मोहन कहता है पूर्ण वाक्य पर आश्रित है। इतना आप लिखते हैं तो 100 शब्द में आपके 5 नंबर का यह प्रश्न है एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट होता है। अब बारी आती है मुहावरे और लोकोक्ति की, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति की बात करते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न में आपको देगा निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बहती गंगा में हाथ धोना, सर मुड़ाते ओले पड़ना, सूरज को दीपक दिखाना, कितने नंबर का है? 3 नंबर का। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए आपने लिखा बहती गंगा में हाथ धोना, अब आप उसका अर्थ क्या लिखेंगे? जैसे कि अवसर का लाभ लेना, ठीक है ना, अवसर का लाभ लेना। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? प्रयोग लिखेंगे, ठीक है, आपका लिखेंगे प्रयोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको वाक्य प्रयोग करेंगे और इस रूप में आप उसको लिखेंगे तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें अर्थ तो लिखा, वाक्य प्रयोग नहीं किया तो आधे नंबर हो जाएंगे। यदि आपने वाक्य प्रयोग किया अर्थ नहीं लिखा तो भी आधा नंबर ही आपको मिलेगा। तो अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 विकल्प है तो इस विकल्प में आपको आधा नंबर मिला के 1 नंबर जो है वो दिया है। मुहावरा और लोकोक्ति से क्या आशय है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब मुहावरा और लोकोक्ति के आपको क्या लिखना है? आशय, कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। अगर आप चाहें तो इस तरफ मुहावरा लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरफ आप क्या लिख सकते हैं? लोकोक्ति को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आप जो है उदाहरण से स्पष्ट करेंगे और ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का है, तो कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है ना। जैसे कि मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति संपूर्ण कथन है, मुहावरा का अंतिम वर्ण ना और अधिकांशता शरीर के अंगों पर आधारित होता है, लोकोक्ति अनुभव पर समाज से विरासत के तौर पर प्राप्त होती है। मुहावरे में शाब्दिक नहीं लाक्षणिक अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, जबकि लोकोक्ति में शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके आशय हो गए, अब उदाहरण को अंतर से स्पष्ट किए। मतलब कि मुहावरा एक वाक्यांश है जो वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाता है, लोगों द्वारा उक्त कथन को लोकोक्ति कही जाती है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में हम रोजमर्रा या वाकधारा कहते हैं। लोग उक्त कथनों को लोकोक्ति के अलावा हाना या कहावत के भी नाम से पुकारा जाता है। अब उसके डिफरेंसेस को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगला, लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट करना। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग नहीं पूछा है बेटा, यहाँ वाक्य प्रयोग नहीं पूछा है, केवल आपके अर्थ को लिखना है, ठीक है। यदि समय है तो लोकोक्ति उतारिए, उसके बगल में अर्थ लिखिए, ठीक है। अगर समय नहीं है तब आप क्या करिएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि मुहावरे पे वाक्य प्रयोग होता है लेकिन लोकोक्ति है उसको उतार लीजिएगा। जैसे कि आप कह सकते हैं नीम हकीम खतरा ए जान, ठीक है ना। अब इसका आप क्या लिखेंगे, अर्थ को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्पेशली इसका यहाँ पर अर्थ जैसे शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है। नीम हकीम खतरा ए जान, मतलब कि यहाँ पर आप उसका अर्थ लिखेंगे, अल्पक का ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है, ठीक है। अगली बार ये मुहावरे और कहावतों में 3 अंतर लिखिए। तो जैसे मैंने बताया आप उसको मेंशन जो है वो 2 भाग में बांट कर लिख सकते हैं, कितने नंबर का है? 3। यानी कि आपको 3 अंतर बताना है, तो इच वन अंतर में आपको एक एक नंबर जो है वो पूछेगा, ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी होती है हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन से, ये भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आदिकालीन हिंदी साहित्य की 3 रचनाओं के नाम उनके लेखकों के सहित लिखे, 3 नंबर का है। ऐसे में आप क्या लिखेंगे, आदिकालीन हिंदी साहित्य के आदिकाल के 3 रचना, आदिकाल के 3 रचना, ठीक है। जैसे कि आपने क्या लिख दिया, पृथ्वी राज रासो,
ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया चंद्रवरदाई। तो आप इसको लिखने के लिए सबसे सुंदर तरीका क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं रचना और इधर लिख सकते हैं रचनाकार। ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिया। नंबर वन में लिख दिया जैसे कि पृथ्वी राज रासो, ठीक है, यहां लिख दिया चंद्रवरदाई, ठीक है ना। उसी प्रकार हमीर काव्य रासो, हमीर काव्य रासो, उनके रचनाकार का नाम लिख दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका लिख सकते खुमान रासो, उनके रचनाकार का। और इस तरह लिखेंगे तो तीन अंक में आधा अंक इधर आधा अंक इधर कहके पहला दूसरा और तीसरा कहके आपको पूरे अंक जो है वो दिए जाएंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन ने कहा सगुण भक्ति धारा के तीन प्रमुख कवि और उसकी एक एक रचना लिखिए। अब देखिए बेटा, यहां पर आपको बंधन नहीं बांधा है, आपको मालूम है कि सगुण भक्ति की दो धारा है, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। यहां प्रश्न में केवल क्या कहा है, सगुण भक्ति धारा के तीन कवि। अब यहां पर आपको बंधन नहीं है कि आपको रामाश्रय का लिखना है कि कृष्णाश्रय का लिखना है, यानी यहां पर आपको सगुण भक्ति धारा के तीन कवि लिखना है। कितना कवि लिखना है, तीन कवि, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, सगुण भक्ति धारा के कवि, ठीक है ना, यहाँ कवि और यहाँ उसकी रचना, ठीक है ना। जैसे कि मीरा बाई, है ना, अच्छा मीरा बाई, ठीक है ना, ये कृष्णाश्रय शाखा की थी, गीत गोविंद की टीका। यहाँ लिख दिया आपने सूरदास, ठीक है ना, ये किसके थी, सूर साहित्य लहरी या सूर सागर। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं तुलसी दास, तो आप क्या लिखेंगे, रामचरित्र मानस। यानी आपने यहाँ पर सगुण भक्ति धारा के कवियों का उल्लेख किया है। यहाँ बंधन नहीं है कि रामाश्रय लिखना है कि कृष्णाश्रय। अगर यही प्रश्न आपको कहता सगुण मार्गी रामाश्रय शाखा के दो कवि, तब आपको तुलसीदास नाभादास लिखना होता। यदि वो कृष्णाश्रय कवि कहते तो सूरदास और मीराबाई लिखना होता, ठीक है। अब देखिए रीतिकाल के नामकरण पर एक साहब गर्भित टिप्पणी लिखिए, कितने नंबर का है, 6 नंबर का, ठीक है ना। अब यहां पर आपको 6 नंबर का है, मतलब रीति के काल के बारे में पूरा डिफाइन करना है। अब क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा जाता है, इसे अलग से साहित्यकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है, कोई इसे कला काल, श्रृंगार काल, आपका अलंकार काल के नाम से भी इसे पुकारता है। रामचंद्र शुक्ल के आधार पर इसे रीति काल के उपाधि दी गई है, जो मध्य काल में भक्ति पूर्ण रचनाओं के लिए जो संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जिस रीति और नियम के प्रयोग इस काल में किए गए, इसलिए इसे रीति काल का नाम दिया गया था। इस समय तीन प्रकार के साहित्यकार हुए, जिन्होंने रीतियों को बंधी हुई रचनाओं से लिखा उन्हें रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने रीतियों को सिद्ध कर दिया वो रीति सिद्ध कवि हुए, जिन्होंने रीति के बंधनों से मुक्त रचनाओं को लिखा वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। इस समय अलंकारों की प्रचुरता की वजह से इसे अलंकार के नाम से भी अभिहित किया जाता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष के प्रयोग होने की वजह से श्रृंगार काल की उपाधि भी इस काल को दी जाती है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल, जिसका समय 1750 से 1900 तक का है, उसे आपके रीति काल नाम से जाना जाता है। तो इसको मिला के बहुत खूबसूरत ढंग में 6 नंबर के बराबर 6 लाइन में बहुत डिटेल में चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्य काल को कितने भाग में बांटा गया, 2 नंबर का, तब क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य काल को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आपका पूर्व मध्य काल, ठीक है, जिसे कहा जाता है भक्ति काल, समय है 1375 से 1700, और दूसरा है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहा जाता है, समय है 1700 से 1900, ठीक है। कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का, केवल उतना ही लिखने की आवश्यकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्य काल को 2 भाग में बांटा गया है। इसके पहले भाग को पूर्व मध्य काल भक्ति काल कहा जाता है, जिसका समय 1375 से 1700, और दूसरे भाग को उत्तर मध्य काल रीति काल के भी नाम से पुकारा जाता है, 1700 से समय 1900। क्लियर हो गया। इसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भाग में बांटा है, अब देखिए एक ही प्रश्न के 2 हिस्से हैं।
एक बार क्या कहा कि कितने भाग में बांटा गया है, 3 नंबर का, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम और उसके समय का उल्लेख कीजिए, ये भी 3 नंबर का है। एक ही चीज है परंतु 2 तरीके से पूछा है। एक में सिर्फ कितने भाग में बांटा गया है उसका नाम लिखना है, और एक में है कि उसका नाम भी लिखना है और उसका टाइम पीरियड भी लिखना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसका एक बहुत सुंदर सा उत्तर लिख सकते हैं आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विभाग को 4 चरणों में बांटा है। उन्हीं 4 चरणों को उनके द्वारा 4 काल के नाम से अभिहित किया गया है। प्रथम चरण को आदिकाल या वीरगाथा काल, द्वितीय चरण को पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, तृतीय चरण को उत्तर मध्य काल या रीति काल, और चतुर्थ चरण को गद्य काल या आधुनिक काल के नाम से उनके द्वारा पुकार गया है, ठीक है। अब इसी प्रश्न का दूसरा है, इसी प्रश्न है कि विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम और उनके समय का उल्लेख किए, तब क्या लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में बांटा है। पहला लिखेंगे आप, जैसे कि आप लिखेंगे आदिकाल, ब्रैकेट में लिख देंगे आप वीर गाथा काल, ठीक है ना। इसके बाद समय क्या लिखेंगे, 1050 से 1375 विक्रम संवत, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे आपका भक्ति का, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, और इस तरह टाइम पीरियड भी लिखना है। तो 3 नंबर का है, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 4 काल का वर्णन करना है, ठीक है। अब आती है बारी आपकी, रीति काल के नामकरण पर 100 शब्द में सार्थक टिप्पणी कीजिए। अब देखिए एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट किया है, यहाँ लिखा सारगर्भित टिप्पणी, रीति काल के नामकरण पर टिप्पणी लिखने बोला है जो 6 नंबर का है, और इसी को यहाँ पर रहा है आपके में ढालने के लिए। तो रीति काल के नामकरण पर 100 शब्दों में टिप्पणी करना है 3 नंबर का, तो आप क्या लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा आंसर को आप थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व मध्य काल जैसे भक्ति काल कहा जाता है, उसके बाद राजाश्रय के प्राप्त होते ही राजाओं ने नव रत्नों में से कवियों को अपने हुनर कौशल को दिखाने का एक मौका प्राप्त हुआ, जिसमें उनके समय विषय की एक प्रधानता के आधार पर उन्होंने भक्ति काल के समय जो राधा कृष्ण के प्रेम थे, उन्हीं प्रेम को, राम और सीता के प्रेम को, संस्कृत ग्रंथों की लक्षण ग्रंथों के प्रभाव को लेकर उसे रीति और नियमों से बंधकर रचनाओं को लिखा। इस वजह से इसे रीति काल के नाम से पुकारा जाता है। इस समय 3 प्रकार के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। इतना ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन है 100 शब्दों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निर्गुण काव्य धारा के कोई 3 प्रमुख कवि और उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब देखिए पीछे आपको पूछा गया था सगुण भक्ति धारा के 3 कवि और उसकी एक एक रचना, यहां पर भी बंधन नहीं था, यहां पर भी बंधन नहीं है, इसलिए आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, इधर लिखेंगे कवि का नाम और इधर लिखेंगे उसकी रचना, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि नंबर 1 मलिक मोहम्मद जैसे पद्मावत, नंबर 2 में लिखेंगे कबीरदास बीजक, इसी प्रकार लिखेंगे रैदास, ठीक है। और इस प्रकार एक कवि और उसकी केवल एक एक रचना लिखनी है, तो तीनों में आपको आधा आधा अंक से एक एक नंबर जो है मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम लिखिए। अब यह है 3 नंबर का। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा जो हिंदी साहित्य के विभाजन है उसका भी काल विभाजन लिखना है, जैसे कि चारण काल, ठीक है, समय कब से कब तक था, उसके बाद संधि काल, समय कब से कब तक था, उसी प्रकार भक्ति काल, उसी समय रीति काल, इस रूप में आपके आधुनिक काल, उसके समय के आधार पर उसका काल विभाजन आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर केवल ऐसे नहीं लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य के काल को निम्न युगों में विभक्त किया गया है, ऐसे आप करने के बाद लिखेंगे। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 1 2 3 4 आपको नहीं लिखना है। तो प्रत्येक उत्तर को लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ निर्गुण काव्य धारा के कोई 3 प्रमुख कवि, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर निर्गुण काव्य धारा के कोई 3 प्रमुख कवि, तो आप क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक शाखा निर्गुण काव्य मार्गी थी, इनके कवि निम्नलिखित है,
ठीक है, ऐसा करके आप उसका उत्तर को लिखेंगे। ठीक, वैसे ही आपके यहाँ पर भी लिखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को निम्न रूपों में बांटा है, ठीक है ना, उसका वगैरह। जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को किस नाम से अभिहित किया है, मतलब कि आपको क्या लिखना होगा, यहाँ आप लिखेंगे ग्रियर्सन, यानी कि आप उत्तर क्या लिखेंगे, निम्न साहित्यकारों के द्वारा हिंदी साहित्य के रीति काल को निम्न नाम से पुकारा गया है, ग्रियर्सन जिन्होंने आपके इसे जिस नाम से पुकारा, इसी प्रकार मिश्र बंधु जिन्होंने जिस नाम से पुकारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिसने जिस नाम से पुकारा, ठीक है। और इस तरह जिस प्रकार आपको मैंने आज सारी चीजें बताई है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछते थे और किस प्रकार से उसके उत्तर का लेखन होना चाहिए, तो बार बार मैं कह रही हूँ कि व्याकरण के हिस्से में उत्तर लेखन में जिस रूप में मैं आपको समझा रही हूँ उसी रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी उत्तर अधूरापन लिए हुए अगर होता है तो आपके उत्तर की पूर्णता वहीं पर समाप्त हो जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्क मत लीजिएगा, जैसा पूछा जाए वैसा ही आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आज दूसरे वीडियो के माध्यम से व्याकरण और साहित्य खंड को लेकर हिंदी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उसके उत्तर लेखन शैली होनी चाहिए और किस प्रकार आप उसको स्कोर कर सकते हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।